हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास टेंथ का चैप्टर नंबर 6.3 का क्वेश्चन नंबर 16 करने वाले हैं। एडी और पीएम त्रिभुजों ए बी सी और पी क्यू आर की क्रमशः मध्यिका है, यानी बीच की वैल्यू है। तो ए बी सी की मध्यिका है एडी और पी क्यू आर का पी एम मध्यिका है। मध्यिका है यानी दो बराबर भागों में विभाजित करेगा। तो जबकि हमें दिया गया है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, ए बी सी समरूप है पी क्यू आर के, तो सिद्ध करना है कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। जो दिया गया है वो लिख देते हैं। ए डी और पी एम त्रिभुजों ए बी सी यहीं से लिख रही हूँ, और पी क्यू आर की क्रमशः मध्यिका है, और ये बराबरी पूरा लिखने पर तथा त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। हमें प्रूफ ये करना है, तो लिखने पर ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। हम त्रिभुज लेके चलेंगे ए बी सी और पी क्यू आर में, क्योंकि हमें समरूप पहले से दिया हुआ है। त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। तो हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं समानुपाती होती है। हम लिख सकते हैं कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू पी सी अपॉन क्यू आर। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि पी सी और क्यू आर, तो ये समद्विभाजित है यानी मध्यिका है, तो समान दो भागों में विभाजित करेगी, तो इसके हाफ के हम लिख सकते हैं बराबर होंगे। तो यहाँ पर लिखने पर ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू हाफ बी सी अपॉन हाफ क्यू आर। हम जानते हैं हाफ बी सी, हम लिख सकते हैं बी डी अपॉन क्यू एम के, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम। इसे इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। अब हम जानते हैं कि दोनों त्रिभुज में कि दो भुजाएं बराबर और कोण बी बराबर होगा कोण क्यू के। ये समरूप त्रिभुज है तो संगत कोण भी बराबर होंगे, तो कोण बी बराबर है कोण क्यू के। समरूप त्रिभुज के संगत कोण की वजह से इसे इक्वेशन हम सेकंड दे देते हैं। अब हम त्रिभुज लिख के चलते हैं ए बी डी और पी क्यू एम में। त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज पी क्यू एम में, क्योंकि हमें यही प्रूफ करना इसीलिए लेके चले, क्योंकि ए बी अपॉन पी क्यू, तो ए बी अपॉन पी क्यू और ए डी ये मध्यिका है अपॉन पी एम, तो ये दोनों त्रिभुज लेके हम लोग चल रहे हैं इसीलिए। हम यहाँ से जानते हैं, ये हमने प्रूफ कर दिया इक्वेशन फर्स्ट से, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर है बी डी अपॉन क्यू एम के, ये समीकरण एक से, और कोण बी बराबर है कोण क्यू के, ये समीकरण दो से। तो दो भुजाएं और एक कोण बराबर है, हम जानते हैं एस ए एस समरूपता से, दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज पी क्यू एम के, समरूप है तो उनकी भुजाएं भी समानुपातिक होगी। हम जानते हैं तो हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, यही हमें प्रूफ करना था।